and Pancakes by Isokumi Tran. पैनकेक उस श्रृंगार सामग्री के ब्रॉड का नाम था जिसके ट्रक के ट्रक भरे हुए जेमिनाई स्टूडियोज खरीदता था। ग्रेटा गाबो ने ही इसका प्रयोग किया होगा, मिस गोहा ने भी इसका प्रयोग किया होगा, वैजयंतीमाला ने भी इसका प्रयोग किया होगा, परंतु रिटी अग्निहोत्री ने शायद इसके बारे में सुना भी न हो। जेमिनाई स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग एक इमारत के ऊपर की मंजिल में था जिसके बारे में यह माना जाता था कि वह रॉबर्ट क्लाइव के अस्तबल रहे होंगे। शहर की दर्जनों इमारतों के बारे में कहा जाता है कि वे उसके निवास स्थान रह चुके थे। अपने संक्षिप्त जीवन और उससे भी कम मद्रास प्रवेश के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने भारतवर्ष के दूरवर्ती इलाकों में असंभव लड़ाइयां लड़ने और मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थित सेंट मैरीज गिरजाघर में एक लड़की से शादी करने के अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि उसने काफी गमन किया था। श्रृंगार का कमरा एक बड़े बाल काटने वाले हॉल की तरह दिखता था जिसमें आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे के चारों तरफ हर कोण पर रोशनी थी। यह सब रोशनियां ताप से जलने वाली थी, इसलिए आप श्रृंगार किए जाने वालों की भारी दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं। श्रृंगार विभाग का प्रथम प्रधान संचालक एक बंगाली था जो कि अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा था कि उसने स्टूडियो को ही छोड़ दिया। उसकी जगह एक मराठी ने ली जिसकी सहायता के लिए एक धारवाड़ कनाड़ेगा, एक आंध्रा निवासी, एक मद्रास का भारतीय ईसाई, एक एग्लो बरमीज और दूसरे साधारण स्थानीय तमिल थे। इस सबसे यह साबित होता है कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यक्रम प्रसारण करने से पहले ही राष्ट्रीय एकीकरण काफी कुछ हो चुका था। यह राष्ट्रीय एकीकरण टोली भारी मात्रा में पैनकेक और दूसरे लोशनों घोल आदि से एक अच्छे नजर आने वाले आदमी को भयंकर गहरे लाल रंग का राक्षस बना सकते थे। उन दिनों फिल्म की शूटिंग अधिकतर स्टूडियो के अंदर ही होती थी और 5% भाग ही बाहर शूट किया जाता था। मेरा ख्याल है कि लड़के और लड़कियों को चलचित्र में प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए सेटों और स्टूडियो को रोशनी उनको भद्दा दिखने के लिए काम में लाई जाती थी। श्रृंगार विभाग में पदानुक्रम को सख्ती से बनाए रखा जाता था। मुख्य श्रृंगार करने वाला मुख्य अभिनेताओं और अभिनेत्रियों, उसके सीनियर सहायक दूसरे दर्जे के हीरो और हीरोइन को, जूनियर सहायक मुख्य हास्य कलाकार को भद्दा बनाते थे और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता था। उन अभिनेताओं को जिनको भीड़ की भूमिका निभानी पड़ती थी उनकी जिम्मेदारी दफ्तर में काम करने वाले लड़के की थी। जेमिनाई स्टूडियो के श्रृंगार विभाग में एक ऑफिस बॉय भी था। जिन दिनों भीड़ के दृश्य की शूटिंग होती थी तो आप बाल कर्मचारी को बड़े बड़े पात्रों में पेंट मिलाते हुए और भीड़ की भूमिका निभाने वालों के मुंह पर पोतते हुए देख सकते थे। उद्देश्य यह था कि श्रृंगार करने की प्रक्रिया में चेहरे का प्रत्येक रोमकूप बंद हो जाए। वो वास्तव में सही अर्थ में कोई बॉय लड़का नहीं था, वो 40 वर्ष से थोड़ा सा आगे की आयु का था। वो इस आशा से स्टूडियो में काफी वर्ष पहले आया था कि अभिनेता या उच्च कोटि का कथा लेखक, निर्देशक या गीत लेखक बन जाए। वो छोटा मोटा कवि था। उन दिनों मैं एक कोठरी में काम करता था जिसके दो तरफ फ्रेंच खिड़कियां लगी हुई थीं। मुझे उस समय पता नहीं था कि ऐसी खिड़कियों को फ्रेंच खिड़कियां कहा जाता है। डेस्क पर बैठे हुए सारा दिन अखबारों को फाड़ते हुए देखकर बहुत से लोग सोचते थे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह भी हो सकता है कि बॉस भी ऐसा सोचता हो, इसलिए जो कोई यह महसूस करता कि मुझे कुछ दिया जाना चाहिए वही मेरी कोठरी में धड़ाधड़ घुस आता और लंबा चौड़ा भाषण दे डालता। श्रृंगार विभाग के लड़के ने फैसला कर लिया कि मेरी जानकारी में यह लाया जाए कि कितनी महान साहित्यिक प्रतिभा को ऐसे विभाग में लगाकर जो केवल नायों और दुष्टों के लायक है व्यर्थ में गवाया जा रहा है। जल्दी ही मैंने भीड़ के दृश्यों की शूटिंग के लिए हर समय प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। इससे कम कुछ भी मुझे उसके महाकाव्यों से नहीं बचा सकता था। निराशा के सभी अवसरों पर आप हमेशा पाएंगे कि गुस्से का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना एक ही आदमी हो होता है था और यह श्रृंगार विभाग के आदमी को विश्वास था कि उसके सारे दुहक, तिरस्कार, उपेक्षा कोठामंगलम सुबु के कारण है। सुबु को जेमिनाई स्टूडियो में दूसरा नंबर था।
हमारे बड़े श्रृंगार करने वाले लड़के की अपेक्षा उसको कोई ज्यादा उत्साहजनक शुरुआत नहीं मिल सकती थी। इसके विपरीत उसको और भी अनिश्चित और मुश्किल समय का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जब उसने अपना काम शुरू किया तो कोई पूरी तरह से स्थापित फिल्म बनाने वाली कंपनियां या स्टूडियो नहीं थे। शिक्षा के मामले में भी विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा, सुबू इस बाल कर्मचारी से कोई विशेष आगे नहीं रहा होगा। एक ब्राह्मण के रूप में पैदा होने के कारण जो वास्तव में ही एक खूबी गुण था, उस पर अधिक प्रचुर स्थितियों और लोगों का असर पड़ा होगा। एक असफल फिल्म में काम करने के बाद भी उसमें प्रसन्न रहने की क्षमता थी। उसके पास हमेशा किसी न किसी के लिए काम रहता था। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता था, परंतु उसकी वफादारी के कारण अपने से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए और अपनी सारी रचनात्मक योग्यता अपने प्रमुख के फायदे के लिए लगा दी। वह फिल्मों के लिए उपयुक्त था। वो ऐसा आदमी था जो कि आदेश मिलने पर प्रेरित हो सकता था। पानी के नीचे चूहा शेरनी से लड़ता है और उसको मार देता है, परंतु वो उसके बच्चों की प्यार से देखभाल करता है। मैं नहीं जानता यह दृश्य कैसे किया जाए, प्रोड्यूसर कहता, और सुबू किस प्रकार उसको अपने शिकार के बच्चों को प्यार करने के चार तरीके बता देता। बहुत अच्छे, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता कि यह प्रभावशाली भी होगा, प्रोड्यूसर कहता, और एक मिनट में सुबू 14 और तरीके बता देता। सुबू जैसे आदमी के पास होने से फिल्म बनाने का काम जरूर बहुत ही आसान रहा होगा, और था भी। और अगर कभी जेमिनी स्टूडियो के सुनहरी वर्षों के दौरान दिशा और परिभाषा देने वाला कोई था भी, तो वो था सुबू। कवि के रूप में सुबू की अलग पहचान थी, और हालांकि वह निश्चित रूप से और अधिक पेचीदी और उन्नत प्रकार की कविता लिख सकता था, परंतु उसने जानबूझकर आम जनता के लिए कविताएं लिखी। फिल्मों में भी उसकी सफलता उसकी साहित्यिक उपलब्धियों पर छा गई और उन्हें बौना बना दिया, ऐसा उसके आलोचक महसूस करते थे। उसने वास्तव में कई मौलिक कथा काव्य लोक कथा शैली में लिखी, और उसने एक थिलानो महानाम्बल नाम का विस्तृत उपन्यास भी लिखा, जिसमें दर्जनों निपुणता से नक्काशी किए गए पात्र थे। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी की देवदासियों के भावों और तौर तरीके काफी सफलतापूर्वक फिर से पैदा कर दिए। वो एक आश्चर्यजनक अभिनेता था। उसने कभी भी मुख्य भूमिकाओं के लिए आकांक्षा नहीं की, परंतु किसी भी छोटी मोटी भूमिका किसी फिल्म में निभाता तो माने हुए मुख्य अभिनेताओं से उसकी अदाकारी अच्छी होती थी। जिससे भी वह मिलता उनके प्रति उसके दिल में सच्चा प्यार होता, और उसका घर दर्जनों नजदीक और दूर के रिश्तेदारों और परिचितों का स्थायी निवास होता था। इस बात का आभास होना भी कि वह इतने आदमियों को खिला पिला और सहारा दे रहा है, सुबू के स्वभाव से मेल नहीं खाता था। इतना परोपकारी और अपव्ययी होने पर भी उसके दुश्मन थे। क्या यह इसलिए था कि वह अपने बॉस के इतना नजदीक और उससे घनिष्ठ था, या उसका सामान्य व्यवहार ऐसा था जिससे लगता कि वो चापलूसी करता है, या यह उसकी तत्परता थी जिसके कारण वो प्रत्येक बात के बारे में अच्छी बात कह देता था। बात कुछ भी हो, श्रृंगार विभाग का यह आदमी सुबू के लिए बुरी से बुरी बातों की कामना करता था। सुबू को हमेशा बॉस के साथ देखते, परंतु हाजिरी के रजिस्टर में वह कथानक विभाग कहे जाने वाले समूह के अंतर्गत होता था, जिसमें एक वकील, लेखकों और कवियों की मंडली होती थी। वकील भी आधिकारिक रूप से कानूनी सलाहकार जाना जाता था, परंतु सभी उसे वकील के विपरीत ही मानते थे। एक अत्यंत प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो काफी तुनक मिजाज भी थी, सेटों पर एक बार गुस्से में फूट पड़ी और सभी हक्के बक्के रह गए। तभी वकील ने चुपचाप रिकॉर्ड करने वाली मशीन को चला दिया। जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी तो वकील ने उसे कहा, कृपया एक मिनट, और उसने रिकॉर्डिंग मशीन को दोबारा चला दिया। अभिनेत्री के उत्तेजनापूर्ण भाषण में प्रोड्यूसर के विरुद्ध कोई दोषारोपण नहीं था, और न ही उसमें कोई अवर्णनीय भद्दी बात। परंतु जब उसने अपनी आवाज दोबारा ध्वनि उपकरण पर सुनी, वो हक्की बक्की रह गई। देहात की वो लड़की जीवन के अनुभवों की सारी अवस्थाओं से नहीं गुजरी थी जो आमतौर पर महत्वपूर्ण स्तर और दुनियादारी की स्थिति में पहुंचने से पहले आते हैं। उस दिन जो डर उसको लगा था, उससे वो कभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई। एक संक्षिप्त और शानदार अभिनय के भविष्य का ऐसा अंत हुआ। उस कानूनी सलाहकार ने, जो कथानक विभाग का सदस्य था, अनजाने में यह दुखद अंत कर दिया।
जबकि विभाग का हर सदस्य किसी न किसी प्रकार की वर्दी पहनता था, खादी की धोती, जरा सा बड़े आकार का भौंडे ढंग से सिला हुआ सफेद खादी की कमीज, कानूनी सलाहकार पैंट पहनता, टाई बांधता और कभी कभी कोट भी जो कवच की तरह नजर आता था। स्वप्न लेने वालों की भीड़, गांधीवादियों और खादी धारकों की गोष्ठी के बीच प्रायः वह अकेला, निरातार्किक, तटस्थ और लाचार नजर आता था। बहुत सारे उन लोगों की तरह जो बॉस के काफी नजदीक थे, उसको भी एक फिल्म बनाने की इजाजत मिल गई और हालांकि उसमें काफी कच्चा माल और पैनकेक प्रयोग में लाया गया, फिल्म से कुछ अधिक नहीं मिल पाया। बॉस ने कथानक विभाग को बंद कर दिया और मानव इतिहास में यह एकमात्र उदाहरण है जहां एक वकील इसलिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा क्योंकि कवियों की छुट्टी कर दी गई थी। SDS योगियार, संगु सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, थ्री हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का जेमिनी स्टूडियोज मनपसंद अड्डा था। इसमें एक बहुत अच्छा भोजनालय था जहां की सारा दिन और काफी देर रात तक बढ़िया कॉफी मिलती थी। यह वे दिन थे जबकि कांग्रेस शासन का मतलब था मद्य निषेध और कॉफी के एक प्याले पर मुलाकात होना एक संतोषजनक मनोरंजन था। दफ्तर में काम करने वाले कुछ लड़कों और एक आध क्लर्क को छोड़कर स्टूडियोज में हर आदमी फुर्सत में दिखाई देता जो कि कविता करने के लिए एक पूर्वापेक्षा होती है। उनमें से काफी खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, परंतु इससे परे उनको किसी प्रकार की राजनैतिक विचारधारा में जरा भी रुचि नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह साम्यवाद के शब्द से घृणा करते थे। साम्यवादी एक नास्तिक आदमी होता था, उसमें न ही माता पिता और न ही पत्नी के प्रति प्रेम होता था और अपने बीवी बच्चों या माता पिता को मारने में खेद नहीं होता। वो हमेशा बिना उद्देश्य होता और नासमझ और भोले भाले लोगों में अशांति और हिंसा फैलाता। उस समय भी सारे दक्षिण भारत में दूसरी हर जगह पर ऐसे विचार प्रचलित थे। स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियोज के खादीधारी कवियों में भी ये अस्पष्ट रूप से प्रचलित थे। इसका सबूत जल्दी ही सामने आने वाला था। जब फ्रेंच बिकमैन की मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के लगभग 200 लोग 1952 में किसी समय मद्रास आए तो उनको जेमिनी स्टूडियोज से ज्यादा स्नेही मेजबान भारत में और कोई नहीं मिल सकता था। किसी ने इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय सकस का नाम दिया। कलाबाजी के झूले पर उनमें कुशलता नहीं थी और उनका जानवरों से परिचय केवल खाने की मेज तक सीमित था, परंतु उन्होंने दो नाटक पेशेवर ढंग से प्रस्तुत किए। उनके जोथम वैली और द फॉरगॉटन फादर नाम के नाटकों के मद्रास में कई प्रदर्शन हुए और शहर के कई और नागरिकों के साथ जेमिनी परिवार के 600 सदस्यों ने इस नाटक को बार बार देखा। नाटकों का संदेश आमतौर पर स्पष्ट और सरल होता था, परंतु सेट और पोशाक उच्च कोटि के होते थे। मद्रास और तमिल नाटक समुदाय बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और सभी तमिल नाटकों में सूर्य उदय और अस्त होने के दृश्य जोथम वैली की तर्ज पर होते, जिनमें मंच खाली होता, एक सफेद पृष्ठभूमि का पर्दा और बांसुरी पर धुन बजाना होता। यह मुझे कुछ साल बाद ही पता लगा कि MRA एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विपरीत आंदोलन था और मद्रास के बड़े बड़े लोग मिस्टर वासन जैसे लोगों के हाथों के इशारे पर नाचते थे और उनके उद्यम केवल उनके हाथों में कठपुतली थे। जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ का कम से कम 20 राष्ट्रों, नस्लों के रंग और आकार वाले 200 लोगों की मेजबानी करने में अच्छा समय बीता। श्रृंगार विभाग के दफ्तर में काम करने वाले लड़के द्वारा आम भीड़ की भूमिका निभाने वालों के मुंह पर मोटी परते लगवाने के लिए इंतजार कर रहे आम समूह इन लोगों की भीड़ काफी भिन्न थी। कुछ महीनों बाद मद्रास के बड़े बड़े लोगों के टेलीफोनों की घंटियां बजी और एक बार फिर एक नए मेहमान के स्वागत के लिए हमने जेमिनी स्टूडियोज के पूरे शूटिंग रंगमंच को खाली कर दिया। उन्होंने केवल इतना बताया कि आने वाला इंग्लैंड का कवि था। इंग्लैंड के जिन कवियों के बारे में जेमिनी स्टूडियोज के सीधे साधे स्टाफ को जानकारी थी वे थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, कुछ ज्यादा पढ़े लिखों को कीट्स, शेली और बायरन, और एक दो को एलियट नाम के कवि की थोड़ी बहुत जानकारी थी। कौन सा कवि अब जेमिनी स्टूडियोज में आ रहा था? वो कवि नहीं, एक संपादक है। इसी कारण बॉस उसका इतना बड़ा स्वागत कर रहा है। वासन लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंदा विक्टन के संपादक भी थे।
वह मद्रास में ब्रिटिश प्रकाशनों के विख्यात नामों के संपादक नहीं थे, अर्थात वे जो जेमिनाई स्टूडियोज में जाने जाते हों, क्योंकि द हिंदू के उच्च स्तर के लोग पहल कर रहे थे। अंदाजा यह था कि कवि एक दैनिक के संपादक थे, परंतु न तो द मैनचेस्टर गार्डियन के और न ही द लंदन टाइम्स के। इतना ही कुछ हम में से अच्छी जानकारी वाले जानते थे। आखिरकार दोपहर बाद 4 बजे के आसपास कवि या संपादक आ पहुँचे। वो एक लंबा आदमी था, बिल्कुल अंग्रेज, बहुत गंभीर और निश्चय ही हम में से उसको कोई नहीं जानता था। रंगमंच पर आधा दर्जन मंचीय पंखों से संघर्ष करते हुए बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ डाला। यह स्पष्ट था कि उनको भी कवि या संपादक के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके भाषण में सामान्य बातों का जिक्र था, परंतु कहीं कहीं यह आजादी और प्रजातंत्र जैसे शब्दों से लैस था। इसके बाद कवि बोला, उसके भाषण को इससे पहले कभी भी इतने आश्चर्यचकित और शांत लोगों ने नहीं सुना होगा। किसी को पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है, और उसका उच्चारण जो कुछ वह कह रहा था उसे भी समझने की कोशिश को विफल कर देता था। सारे भाषण ने लगभग 1 घंटा लिया। इसके बाद कवि चला गया और हम पूर्ण विचलित अवस्था में तितर बितर हो गए। हम क्या कर रहे हैं? साधारण से साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाने वाले स्टूडियो में एक अंग्रेज कवि क्या कर रहा है? वे लोग जिनके जीवन में कविता में रुचि पैदा करने की संभावना ही नहीं है। कवि भी काफी खोया खोया नजर आ रहा था। उसको भी अंग्रेज कवि के रोमांचक अनुभवों और पीड़ाओं के सरासर बेतुकेपन का एहसास हो गया होगा। उसका दौरा एक अज्ञात रहस्य बना रहा। संसार के महान गद्य लेखक इस बात को स्वीकार न करी, परंतु मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा था कि गद्य लेखन एक प्रखर बुद्धि वाले आदमी के लिए करने योग्य काम नहीं है और न ही हो सकता है। यह एक ऐसे आदमी के लिए है जो कि शांत कोल्हू के बैल की तरह लगा रहे और जिसका दिल इतना सिकुड़ा हुआ हो जिसे कुछ भी न तोड़ सके, अस्वीकृत पर्चियों को उसके लिए कोई अर्थ न हो। वो तुरंत अपने लंबी गद्य रचना नकल बनाने में लग जाता और दूसरे संपादक के पास अपने हस्तलेख की वापसी के लिए टिकट समेत इसे भेज देता। ऐसे लोगों के लिए ही द हिंदू ने अपने अखबार के महत्वहीन पृष्ठ के एक उपेक्षणीय कोने में एक छोटी सी घोषणा, द एनकाउंटर नाम की एक ब्रिटिश पत्रिका जिसने लघु कथा की प्रतियोगिता आयोजित की थी के बारे में छापी थी। जेमिनाई स्टूडियोज के पढ़े लिखे लोगों में द एनकाउंटर जाना पहचाना नाम नहीं था। मैं इस पत्रिका को कुछ जानना चाहता था इससे पहले कि मैं अपने हस्तलेख को इंग्लैंड भेजने के लिए काफी पैसा टिकट खरीदने पर खर्च कर दूं। उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में शब्दावली सूचना पट और नोटिस वाला प्रवेश द्वार नहीं था, ताकि आपको यह आभास करवाया जाए कि आप एक वर्जित क्षेत्र में लुके छिपे जा रहे हैं, और वहाँ पर द एनकाउंटर पत्रिका की प्रतिलिपि ताजगी की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पाठकों द्वारा लगभग अनछुई इधर उधर पड़ी हुई थी। जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा तो मैंने सिकुड़े हुए दिल में घंटी बजने की आवाज़ सुनी। यह वही कवि था जो कि जेमिनाई स्टूडियोज में आया था। मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत दिनों से गुम भाई मिल गया हो, और मैंने गुनगुनाते हुए लिफाफे को बंद किया और उसका पता लिया। मुझे लगा कि वह भी इसी समय यही गाना गा रहा होगा। भारतीय फिल्मों में लंबे समय से बिछड़े हुए भाई फिल्म की पहली और आखिरी रील में एक ही गाना गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन यह उसका नाम था। और सालों बाद जब मैं जेमिनाई स्टूडियोज में काम नहीं करता था और मेरे पास समय बहुत था पर पैसा अधिक नहीं था, तो कम कीमत वाली कोई भी चीज मेरा ध्यान आकर्षित कर लेती थी। मद्रास माउंट रोड डाक घर के सामने की पगडंडी पर 50 पैसे में एक मिलने वाली बिल्कुल नई किताबों का ढेर लगा हुआ था। वास्तव में वो एक ही किताब की प्रतिलिपियां थी, अमरीकी सुंदर कागज की जिल्द वाली पुस्तकें थी। यह कम कीमत की विशेषकर विद्यार्थियों के लिए संपादित रूस की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ से संबंधित थी। मैंने 50 पैसे दिए और द गॉड दैट फेल्ड की एक प्रति खरीद ली। 6 प्रसिद्ध विद्वानों ने 6 अलग अलग निबंधों में अपनी साम्यवाद में यात्रा और मोहमुक्त वापसी का वर्णन किया हुआ था। एंड्री गिडे, रिचर्ड राइट, इग्रासियो सिलोन, आथर कोएस्ला, लुई फिशर और स्टीफन स्पेंडर।
स्टीफन स्पेंडर। अचानक यह पुस्तक जबरदस्त रूप से महत्वपूर्ण बन गई। स्टीफन स्पेंडर वही कवि जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। एक ही क्षण में मुझे ऐसा लगा जैसे एक धुंधली सी रोशनी ने मेरे दिमाग के एक अंधेरे कक्ष को प्रकाशित कर दिया हो। स्टीफन स्पेंडर के प्रति जेमिनी स्टूडियोज में प्रतिक्रिया अब अधिक समय तक रहस्य नहीं रह गई थी। जेमिनी स्टूडियोज के बॉस का स्टीफन स्पेंडर के काव्य से ज्यादा लेना देना न हो, परंतु भगवान जो असफल हो गया के बारे में ऐसा नहीं था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ ये इस कहानी का अंत होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।